बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कंप्यूटर लेक्चर फॉर क्लास टू. क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन विद ग्रेस ऑफ अल्लाह. क्लास, दिस इज़ आवर टूडेज लेक्चर, चैप्टर नंबर 1, फैमिली ऑफ द कंप्यूटर. कल हमने पढ़ा था नाउ अबाउट कंप्यूटर मैम, और साथ में नेक्स्ट टॉपिक में से मेम्बर्स ऑफ द कंप्यूटर फैमिली. इसमें से हमने कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर रीड कर लिया और पेज नंबर 6 पे. अब नेक्स्ट है हमारे पास पोर्टेबल कंप्यूटर. पेज नंबर 7 ओपन करें. हमारे पास है पेज नंबर 7 पे पोर्टेबल कंप्यूटर. पोर्टेबल मींस एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि हम एक जगह से उसको दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. अ पोर्टेबल कंप्यूटर इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर. पोर्टेबल जो है वो एक हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर है. यू कैन कैरी इट इजीली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि आप एक जगह से इसको दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ इट, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर और हमारे पास है नेक्स्ट में मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल डिवाइसेस. ये हमारे पास 3 चीज़ें ऐसी हैं कि हम लैपटॉप को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, टैबलेट भी हम लेके जा सकते हैं और जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनको भी लेके जा सकते हैं. बच्चे, आपको पता है कि ये जो टैबलेट है, ये टच स्क्रीन, मोबाइल से जो सा मोबाइल है वो भी टच स्क्रीन, हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. ये टैबलेट्स भी और ये हमारे पास है लैपटॉप, ये भी, ये 3 चीज़ें हम लेके जा सकते हैं. ये हमारे पास आएंगी पोर्टेबल कंप्यूटर में. अब लैपटॉप कंप्यूटर है हमारे पास फर्स्ट, जो पोर्टेबल कंप्यूटर है इसकी फर्दर टाइप्स हैं 3 टाइप्स हैं. सबसे पहले आता है हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर. द लैपटॉप कंप्यूटर इज़ द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल कंप्यूटर. नोटबुक कंप्यूटर इज़ अनदर टाइप ऑफ द लैपटॉप कंप्यूटर. नोटबुक कंप्यूटर एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स हैव द कीबोर्ड ऑन द टॉप ऑफ द यूनिट. द मोनीटर इज़ अटैच टू द सिस्टम यूनिट विद हिंग्स. लैपटॉप कंप्यूटर जो है ये हमारे पास मोबाइल कंप्यूटर की तरह ही यूज़ होता है. जिस तरह से हम मोबाइल को चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं लाइट ऑफ में भी, इसी तरह ये है कि हम इसको चार्ज करके रख लेते हैं और बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नोटबुक कंप्यूटर इज़ अनदर टाइप ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर. जो हमारे पास नोटबुक कंप्यूटर है ये लैपटॉप कंप्यूटर की सेकेंड टाइप है, अनदर टाइप है. ये नोटबुक कंप्यूटर भी हम इसको कह सकते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं. नोटबुक एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स हैव दी कीबोर्ड. इन दोनों का ही कीबोर्ड होता है, जो कि आपको ये सामने शो हो रहा होगा कि जब हमने इसको क्लोज़ कर देना है तो ये इसके साथ ही इसका माउस है. यहाँ माउस होता है इसका. ये हमारे पास कीबोर्ड के बटन है और इसके अंदर ही एक सिस्टम फिक्स किया गया, जो कि इसके टॉप ऑन दी, इसकी यहाँ ऊपर वाली साइड पर सिस्टम यूनिट फिक्स कर दिया गया है. जो इसके सिस्टम यूनिट जो है ये मोनीटर के साथ ही इसके विद हिंग्स, मतलब इसके साथ जो है अटैच कर दिया गया है. अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टैबलेट कंप्यूटर है. टैबलेट कंप्यूटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ नोटबुक कंप्यूटर. इट इज़ ऑपरेटेड टच स्क्रीन. यू कैन यूज़ इट टू टेक नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर्स एंड फॉर सो मैनी अदर पर्सनल और स्मॉल टास्क. ये हमारे पास टैबलेट कंप्यूटर दिखाया गया है. जो टैबलेट कंप्यूटर है वो एक स्पेशल टाइप का नोटबुक कंप्यूटर है, जिसको इट इज़ ऑपरेटेड विद अ डिजिटल पेन. इसको हम एक पेन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी फिंगर टिप्स के साथ. बेटा, आपको पता है जब हम मोबाइल या ये टैबलेट वगैरह यूज़ करते हैं तो कुछ टैबलेट ऐसे हैं जो कि डिजिटल पेन के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको हम फिंगर टिप्स के साथ इस्तेमाल करते हैं. जिस तरह हमारा टच स्क्रीन फ़ोन है तो हम उसको फिंगर्स के साथ टच करके वो मतलब यूज़ कर सकते हैं. आगे है इट यूजली हैज़ टच स्क्रीन, कि ये स्क्रीन को भी हम टच करेंगे तो वो जो भी चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है या क्लिक कर रहे हैं तो वो हमें शो होती जा रही है और ये बहुत इजी है चलाना. यू कैन यूज़ इट टेक नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर्स. आप इसमें अपने लेक्चर्स भी स्टोर कर सकते हैं एंड सो मैनी अदर पर्सनल और स्मॉल टास्क, और अपनी बहुत सारी मतलब दूसरी चीज़ें भी इसमें सेव कर सकते हैं, जैसे पिक्चर्स हैं, वीडियोज़, गेम्स एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें हम इसमें सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 8 पर मोबाइल डिवाइसेस. मोबाइल डिवाइसेस में आ रहा है दिस डिवाइस कैन बी हेल्ड इन अ हैंड. इसको हम अपने मोबाइल में होल्ड कर सकते हैं. इट कैन बी कैरीड इन दी पॉकेट. इसको हम पॉकेट में भी रख सकते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इट, सम आर ऑफ द फॉलोइंग. उन्होंने कहा कि इसकी मोबाइल डिवाइसेस जो हैं इसकी 3 टाइप्स हैं जो कि हमारे पास आती हैं. स्मार्टफोन, PDA. PDA स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. बेटा, ये आपको MCQs में आ सकता है, तो इसीलिए आप इसको, इसका एब्रीवेशन जो है PDA का, ये आपने याद रखना है. PDA स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. नेक्स्ट जो उनसे थर्ड टाइप है वो है हैंड हेल्ड कंप्यूटर. जो स्मार्टफोन है हमारे पास, इट इज़ इंटरनेट इनेबल्ड कंप्यूटर. इट ऑल्सो हैज़ अ कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट
बुक एंड एड्रेस अ बुक अ कैलकुलेटर एंड अ नोटपैड। ये जो है हमारे पास स्मार्टफोन, ये इंटरनेट से चलता है और इसके इसमें कैलेंडर होता है, अपॉइंटमेंट बुक होती है, एड्रेस बुक होती है, कैलकुलेटर और नोटपैड। नोटपैड में हम अपनी चीज़ें नोट कर सकते हैं, कोई हमने किसी की बर्थडे, किसी को विश करना है या कोई भी चीज़ ऐसे की, तो वो हम उसके अंदर सेव कर लेंगे। यू कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स आल्सो। आप मोबाइल में कोई भी अपने ईमेल सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। जिस तरह आज का हमारा ये जो लेक्चर हो रहा है, ये हम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ये आप लोग अपने फ़ोन्स में रिसीव करें और मैं इधर से सेंड करूँ, ये इसकी एग्जांपल है। इट मे हैव डिजिटल कैमराज, इसमें कैमराज होते हैं डिजिटल। मैनी कैन प्ले ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, और ये बहुत सारी ऑडियो और वीडियो फाइल्स को प्ले भी करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस की टाइप है PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। बेटा आपको ये शो हो रहे हैं, ये मोबाइल डिवाइसेस हैं और ये मोबाइल डिवाइसेस का जो फर्स्ट है ये स्मार्टफोन है। ये टच स्क्रीन आपको फ़ोन नज़र आ रहा है, घर पे भी होगा, आप चेक करना। ये चीज़ जो है ना, ये इंटरनेट से चलती है और इससे हम सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन। सेंड का मतलब होता है भेजना, रिसीव का मतलब होना है मौसूल करना। PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इट इज़ यूज फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये यूज़ होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए। इट हैज़ अ कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट बुक एंड एड्रेस बुक अ कैलकुलेटर अ नोटपैड। ये सेम उसी की तरह है, हर चीज़ इसमें कैलेंडर भी है, अपॉइंटमेंट है, लेकिन ये पर्सनल कंप्यूटर है। हम एक इंसान है वो यूज़ कर रहा है, दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा मतलब एक टाइम में हम एक ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब दूसरे को नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास अ कैलकुलेटर एंड अ नोटपैड। इट आल्सो हैज़ सम अदर प्रोग्राम्स, इसके जो स्मार्टफोन है उसमें सिर्फ हम ये चीज़ें नोटपैड तक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, और भी फीचर्स हैं और हम इसके अलावा और भी चीज़ें कर सकते हैं। PDA इज़ यूजुअली ऑपरेटेड विद द स्टाइलस, ये जो है यूज़ करते हैं, ये हम हाथ से भी कर सकते हैं टच, और ये जो है ये स्टाइलस के साथ ऑपरेट है, मतलब ये इसके साथ हम चलाते हैं। ये है स्टाइलस हमारे पास, ठीक है बेटा, ये हमें नज़र आ रहा है, ये है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA। इसमें हम म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, चीज़ें सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। हमारे पास कैलेंडर है, नोटपैड है, और इसके अलावा भी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो सी हम किसी को सेंड कर सकते हैं। जैसे हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया में यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये किस जब हमने कीबोर्ड अगर यूज़ करें तो वो हम अपनी फिंगर टिप के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फ़ोन यूज़ करें तो वो टच स्क्रीन है तो हम हाथ से फिंगरप्रिंट से करें। तो ये जो है स्टाइलस से हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर की ही किस्म है। इट इज़ मिनिएचर कंप्यूटर, इसको हम छोटा कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। इट आल्सो ऑपरेटेड थ्रू अ डिजिटल पेन और स्टाइलस। इट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ ओनली, ये सिर्फ खास काम के लिए इस्तेमाल होता है। कि जैसे एक कंप्यूटर है, हम कंप्यूटर में फाइल्स बनाते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, पेपर जैसे आप लोगों के बन के प्रिंट होकर आते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ जो है ये मिनिएचर कंप्यूटर है जिसको हम एक ख़ास तौर पे स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।